तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप भी लगाना चाहते हो अपने घर के कंटेनर पे ऐसे ही मस्टर्ड ग्रीन्स और रेड स्पिनिच, तो गार्डन ग्रीन से जुड़े रहे और वीडियो को लास्ट तक देखिए। मस्टर्ड ग्रीन, जिसे हम हिंदी में राई का साग बोलते हैं, और रेड स्पिनिच, जिसे हम हिंदी में लाल साग बोलते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो राई का साग था वो एकदम घना हो गया था, तो मैंने इसे स्पेस देने के लिए बीच बीच में से इसका जो पौधा है उसे निकाला है। इसके आप सैलेड बनाकर या सब्जी भी खा सकते हो। तो मैंने जो है इसे निकालने के बाद इसे पानी दे दिया है। अब इसे स्पेस मिलने के कारण ये और भी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो दोस्तों, राई साग के मुकाबले जो ये लाल साग है, इसे उगने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसीलिए ये वीडियो में आपको छोटा दिख रहा होगा राई साग के मुकाबले। तो चलिए, इसे कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने इस कंटेनर में 50% गार्डन सोइल और 50% काउडंग को मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास काउडंग नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बीच में से मैं एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ और इस पर छोटे छोटे लकड़ी का लाइन लगाकर मैं दो हिस्सों में इसे बांट रहा हूँ। मैं एक हिस्सों पर मस्टर्ड ग्रीन, जिसे हम रायो कहते हैं, उसका सीड्स लगाऊंगा और दूसरे पर लाल साग का सीड लगाऊंगा। तो पहले हम शुरू करेंगे लाल साग के बीज से। इसे हम इस मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी जो है मिट्टी के एक हिस्सों में हम इसे लगाएंगे हल्के हाथों से। जब भी इसे लगाए तो थोड़ा सा गैप मेंटेन करके लगाए, जैसे कि मैं अभी लगा रहा हूँ। बीज को मिट्टी में मिलाने से आपको गैप मेंटेन करने में थोड़ा आसानी होगा, और ये जब उगेगा तो एक ही जगह पर सिमट कर नहीं उगेगा, ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से उगेगा। तो दोस्तों, मैंने लाल साग के बीज को लगा दिया। अभी बारी है राई के साग को। इसे भी इसी तरीके से मिट्टी में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे भी हम दूसरे साइड पर लगा देंगे। तो इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ ताकि बीज जो है वो एक ही जगह पर ना उगे, वो अच्छी तरीके से चारों तरफ से उगे। जैसे हमने लाल साग को लगाया था, ऐसे ही इसके लेफ्ट साइड में हम मस्टर्ड ग्रीन्स के सीड्स को लगाएंगे। तो हमने दोनों तरफ सीड्स को लगा दिया दोस्तों। अभी इस पर हम पानी डालेंगे। तो मैंने इस पर अच्छी तरीके से पानी डाल लिया है दोस्तों। पानी डालते वक्त आपको एक बात ध्यान देना चाहिए, आप पानी जब भी डालें तो हल्के हाथों से डालें। आप इसके लिए किसी स्प्रे या बॉटल का यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा 8 दिन बाद का रिजल्ट। अभी राई का बीज जो है वो अच्छी तरीके से उग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। जब तक सीड्स अच्छी तरीके से ना उगे, तब तक इस पर आप कंटिन्यू वाटरिंग करें, और जब सीड्स अच्छी तरीके से उग जाएगा तब इस पर आप 2 या 3 दिन के बाद पानी दे सकते हो। तो ये रहा रेड स्पिनिच का सीड्स। ये भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, 11 दिन के बाद का नज़ारा, कितना खूबसूरत छोटा छोटा सा राई का बीज जो है वो उग रहा है, आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हो। और ये है लाल साग का बीज। वीडियो को रात में शूट करना पड़ा दोस्तों। अगर आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत आ रहा हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आज दिन में थोड़ा बिजी था। तो ये रहा दोस्तों 25 दिन के बाद का रिजल्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गार्डन ग्रीन।